जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। फ्रांस के बाहर होने के बाद प्रोजेक्ट 75I में बनी सिंगल वेंडर सिचुएशन। इंडियन आर्मी को मिले अपने नए चीफ। आकाश मिसाइल से मल्टीपल टारगेट्स को किया गया शॉट। यूक्रेन के घोस्ट ऑफ कीव का चेहरा आया सामने। और जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने भारत की फोर्सेज की क्षमता पर उठाए सवाल। पहले से ही डिले चल रहा इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट 75I अब और भी कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हुआ यह है कि जर्मनी और रशिया के बाद अब फ्रांस की नेवल ग्रुप ने भी इस परियोजना से अपने आप को वापस ले लिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो ये प्रोजेक्ट 75I है तो इसके तहत इंडियन नेवी के लिए भारत में ही मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स को बनाया जाना है, जो कि AIP, ISR, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस इस तरह के अलग अलग कैपेबिलिटीज के साथ आएगी। और जो सबमरीन्स हैं, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत बननी है, जिसके लिए 21 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने दो इंडियन शिपयार्ड्स, जिसमें से एक है लार्सन एंड टुब्रो और दूसरी है मजगांव डॉक लिमिटेड, तो इन दोनों कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया था, जो कि अपनी फॉरेन OEM के साथ पार्टनरशिप करके सबमरीन्स को भारत में बनाने वाली थी। और इस सबमरीन में जो 5 फॉरेन कंटेंडर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनमें एक थी रशिया की रूबिन डिजाइन ब्यूरो, जर्मनी की थाइसेनक्रप मरीन सिस्टम, स्पेन की नेवेंटिया, फ्रांस की नेवल ग्रुप और साउथ कोरिया की डेवो शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग। तो इन 5 ग्लोबल कंपनीज में से रशिया और जर्मनी ने तो अपने आप को पहले ही इस परियोजना से बाहर कर लिया था, लेकिन अब फ्रांस की नेवल ग्रुप की तरफ से भी घोषणा की गई है कि वे भी इस परियोजना से बाहर निकल रहे हैं। और ये घोषणा खास करके तब हुई है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा करने वाले हैं। और अब इस परियोजना में केवल 2 ही ग्लोबल कंपनीज रह गई हैं, जिसमें से एक है साउथ कोरिया की देवू शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग और स्पेन की नेवेंटिया। और इस परियोजना से बाहर निकलने का जो फ्रेंच कंपनी नेवल ग्रुप ने कारण बताया है वो ये है कि इस परियोजना के लिए जो RFP जारी की गई थी, तो उस RFP की जो कुछ कंडीशंस हैं जो फ्रेंच कंपनी नेवल ग्रुप पूरा नहीं कर सकती है। और उसमें से कंडीशन ये है कि इसके तहत जो सबमरीन्स बनाई जानी है तो उनमें सी प्रूवन फ्यूल सेल AIP टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, और फ्रेंच कंपनी का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, क्योंकि फ्रेंच नेवी इस तरह के प्रोपल्शन सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करती है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि फ्रांस के पास AIP टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो अभी तक किसी भी सबमरीन में फिट नहीं की गई है और ना ही वो ऑपरेशनल है। हालांकि फ्रेंच कंपनी नेवल ग्रुप का ये जरूर कहना है कि वे DRDO द्वारा विकसित किए गए फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम को स्कॉर्पियन क्लास पर आधारित कलवरी क्लास सबमरीन्स में रिफिट करने में भारत के साथ कोलैबोरेट करना जारी रखेगी। और वैसे आपको बता दें कि DRDO के AIP सिस्टम को अगले साल से फ्रेंच कंपनी की मदद के साथ कलवरी क्लास सबमरीन्स में इंटीग्रेट करने की योजना बनाई गई है। और रही बात P75I वाली परियोजना की, तो फ्रेंच कंपनी के भी इस परियोजना से बाहर निकल जाने के बाद ये परियोजना और कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। और अब इसमें केवल 2 ही कंपनी रह गई हैं, जिसमें से साउथ कोरिया ने पेश की है अपनी KSS-3 सबमरीन और स्पेन ने पेश की है अपनी S-80+ सबमरीन। और एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब जो 2 कॉम्पिटिटर्स इस प्रोग्राम में बचे हैं, तो उसमें से केवल साउथ कोरिया की जो KSS-3 सबमरीन है, तो वो इस प्रोग्राम में शामिल एकमात्र ऐसी सबमरीन है जिसके पास एक प्रूवन AIP सिस्टम है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस परियोजना में तो कंपटीशन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और जैसे कि हमने आपको कहा कि ये परियोजना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत होनी थी, पर चूंकि अब इसमें एक सिंगल वेंडर सिचुएशन बन गई है, तो उसके भी खत्म होने की अब संभावना नजर आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स और लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक वाली परियोजना के बाद ये तीसरी ऐसी परियोजना होगी जिसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल शामिल है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। और जैसे कि आप सभी को ध्यान हो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल की इसी तरह की असफलता के चलते ही इंडियन एयरफोर्स ने बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया कैटेगरी को चूज किया है। और शनिवार को जनरल मनोज पांडे ने दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी के 29वें चीफ का कार्यभार संभाल लिया है। और जनरल मनोज पांडे कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले ऑफिसर हैं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। और जबकि इंडियन आर्मी के फॉर्मर चीफ जनरल MM नरवणे के रिटायरमेंट तक इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद भारत सरकार उन्हें अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना सकती है, लेकिन आज उनके रिटायरमेंट के आखिरी दिन तक भारत सरकार की तरफ से नए CDS की कोई भी घोषणा नहीं की गई है। और बाकी कल 1 मई से लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू भी इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ का कार्यभार संभालेंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज इंडियन आर्मी की साउथ वेस्टर्न कमांड या यूं कहें सप्त शक्ति कमांड द्वारा आकाश मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया था। ये जो टेस्ट है ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजेस में कंडक्ट किए गए थे और इस दौरान 100% हिट्स के साथ मल्टीपल एरियल टारगेट्स को एक साथ एंगेज किया गया, जो कि रियलिस्टिक ऑपरेशनल कंडीशंस में इस आकाश वेपन सिस्टम की रियल पोटेंशियल को डेमोंस्ट्रेट करता है। और वैसे आपको बता दें कि जो ये साउथ वेस्टर्न कमांड है, ये इंडियन आर्मी की यंगेस्ट कमांड में आती है। इसके ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सदर्न पंजाब और नॉर्दर्न राजस्थान को डिफेंड करना। बाकी इसके अलावा इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस और इंडियन एयरफोर्स ने भी स्पेशल ऑपरेशंस की एक जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी, और इस जॉइंट एक्सरसाइज के दौरान शिनूक हेलीकॉप्टर्स के साथ अंडरस्लंग और इन कैबिन मोड में स्पेशल फोर्सेस के लाइट स्ट्राइक व्हीकल के कैरेज को भी वैलिडेट किया गया है। और इस दौरान दोनों सर्विसेज के बीच साइनर्जी और जॉइंट मैनशिप को बढ़ावा दिया गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल के माध्यम से
करीब 15,047.98 करोड़ रुपीस तक की खरीद के आदेश दिए हैं और गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल के माध्यम से ये अभी तक की ऑल टाइम हाई प्रोक्योरमेंट है और पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में इसमें 250% बढ़ोतरी देखी गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगस्त 2016 में पुराने वाले टेंडर प्रोसेस को रिमैप करने के लिए भारत सरकार ने इस गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल को स्टार्ट किया था ताकि डिजिटाइजेशन के माध्यम से भारत सरकार जो भी खरीद करे उसमें और भी अधिक ट्रांसपेरेंसी को लाया जा सके। इसके अलावा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि जब से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया है तो उसके बाद से 2021 तक केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में करीब 9,000 करोड़ रुपीज से भी अधिक का खर्च किया है और इसमें से अधिकतर खर्च सुरक्षा पर किया गया है। यानी कि 5 अगस्त 2019 जब से जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बनाए तब से केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम के तहत इतना अमाउंट पे कर चुकी है। और बाकी ANI के साथ बात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के ऑफिसर्स का कहना है कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है और इसे रेगुलर बेसिस पर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट आर्मी CAPF और अदर सिक्योरिटी एजेंसीज रिव्यू करते रहती है। और एक अपडेट ये भी है कि कल शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और PDP की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती से जब पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकियों द्वारा लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस पर किए जाने वाले हमलों के प्रयास के बारे में सवाल पूछा गया तो इसके जवाब में उनका यह कहना था कि आर्मी तो कहती है कि करीब 100 से 150 के आसपास आतंकी सक्रिय हैं तो फिर जम्मू कश्मीर में मौजूद 1,000,000 आर्मी क्या कर रही है, अगर वे इन आतंकियों से डील नहीं कर सकते हैं तो वे वहां क्या कर रहे हैं। और उनके जवाब से तो ऐसा लग रहा है कि मानो वे भारत के फोर्सेस की क्षमता पर उनकी कैपेबिलिटी पर सवाल उठा रही हैं। तो चलिए कुछ बातें यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। सबसे पहली बात कि जम्मू कश्मीर में 1,000,000 आर्मी नहीं है, क्योंकि अगर आप पब्लिक डोमेन में उपलब्ध डेटा को भी लेते हैं तो इंडियन आर्मी के सर्विस में जो एक्टिव पर्सनल की संख्या है वो करीब 12,00,000 के आसपास है। और अगर आप 2022 की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रेटिंग को भी लेते हैं तो उसके अनुसार भी 2022 में इंडियन आर्मी के जो करंट एक्टिव पर्सनल हैं उनकी संख्या करीब 14,00,000 है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 14,00,000 में से 10,00,000 आर्मी हमने जम्मू कश्मीर में ही लगा दी है, तो मतलब बाकी देश को कौन संभाल रहा है। और रही बात भारत की फोर्सेज जम्मू कश्मीर में क्या कर रही है तो उन्हें तो अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि भारत की फोर्सेज जम्मू कश्मीर से सुअरों को साफ कर रही है। और वैसे ये बात हमें समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान से ऐसा क्या ऑब्सेशन है कि हर बार इनका यही कहना होता है कि डायलॉग के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। पर खैर इन पर और क्या ही बोले, लेकिन हमें हमारे फोर्सेस पर पूरा भरोसा है कि वे बेहद ही जल्द जम्मू कश्मीर से सुअरों को पूरी तरीके से हॉरिफाइड कर देगी। और बाकी फैमिली मैन करके एक सीरीज आई थी बीच में तो उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि ये जो आतंकी होते हैं इन्हें केवल एक बार जीतना होता है, लेकिन इनसे डील करने वाले जो हमारी फोर्सेस हैं उन्हें हर बार जीतना होता है। और बाकी उम्मीद है कि इससे आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। ब्लूमबर्ग की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कुछ सोर्सेस के हवाले से दावा किया गया कि रशिया ने भारत के लिए ड्यूअल पेमेंट मैकेनिज्म को ऑफर किया है ताकि दोनों देशों के बीच लोकल करेंसीज में व्यापार को और बढ़ाया जा सके। और रिपोर्ट के मुताबिक इस लेटेस्ट ऑफर में जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने की पेमेंट है वो तो डॉलर्स और यूरोज में ही होने वाली है, लेकिन जो बाकी का व्यापार है उसे रुपीज रूबल मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके सेटल करने का ऑफर दिया गया है। लेकिन आपको ये भी क्लियर कर दें कि ब्लूमबर्ग की जो ये रिपोर्ट है इस पर इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से अभी तक कोई भी कमेंट देखने को नहीं मिला है। वहीं इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अगले महीने मई में जापान में जो क्वाड समिट होने वाली है तो इस दौरान अमेरिका भारत के साथ यूक्रेन को लेकर फिर से कुछ और इश्यूज को डिस्कस करेगा और इस बात का कंफर्मेशन US ऑफिशियल्स की तरफ से दिया गया है। आप सभी को ध्यान होगा जब रशिया और यूक्रेन के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद बीच में आप सभी ने घोस्ट ऑफ कीव का नाम जरूर सुना होगा और ये नाम यूक्रेन के उस पायलट को दिया गया था जिसको लेकर दावे किए गए थे कि उस पायलट ने अकेले ही रशिया के 40 से भी अधिक फाइटर्स को शॉट डाउन किया है। हालांकि वो ऑब्वियसली बात है कि उन दावों में कितनी सच्चाई थी तो इस बात की पुष्टि कोई भी नहीं कर सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग अभी हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिसमें यूक्रेनियन मिलिट्री ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि यूक्रेन के जिस पायलट को घोस्ट ऑफ कीव का नाम मिला था तो उनका नाम था मेजर स्टीफन तारावल का और इस युद्ध के दौरान उन्होंने रशिया के कई दर्जन फाइटर्स को शॉट डाउन किया है और 13 मार्च को अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिया है। और जबकि द टाइम्स और न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मेजर ताराबलका ने 13 मार्च से पहले रशिया के 40 एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया था और रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के इस पायलट की एज केवल 29 साल थी और उन्हें सेना के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द गोल्डन स्टार और हीरो ऑफ यूक्रेन से भी नवाजा गया है। और यूक्रेन ऑफिशियल्स के मुताबिक रशिया के साथ युद्ध शुरू होने के 30 घंटों के अंदर इस पायलट ने 6 रशियन एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन कर दिया था तो वहीं 26 फरवरी तक 10 फाइटर्स को इसने मार गिराया था और इसी बेहतरीन कारनामे के चलते उन्हें नाम मिला घोस्ट ऑफ कीव। लेकिन हम इस बात को फिर से दोहरा दें कि यूक्रेन ने जितनी संख्या में रशियन एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किए जाने वाले दावे किए हैं तो उन दावों की हम कोई भी पुष्टि नहीं करते हैं। और बाकी इस पर आपके जो विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि फ्रांस की तरफ से कहा गया है कि वे यूक्रेन के लिए अपनी सैन्य सहायता और मानवीय सहायता को और भी तेज कर देंगे। और इसके अलावा भी हाल ही में UN चीफ विजिट के दौरान रशिया ने कीव पर एयर स्ट्राइक करने की रिपोर्ट को कंफर्म किया है और अब रशिया ने ईस्टर्न डोनबास रीजन में भी ऑपरेशंस को और तेज कर दिया है। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का
तो आपको बता दें कि आज के दिन 2009 में एक सुखोई Su-30M की आई फाइटर की दुर्घटना में विंग कमांडर पुष्पेंद्र सिंह नारा ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1948 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए राइफलमैन दोंकल सिंह भी वीरगति को प्राप्त हुए थे और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जबकि आज के दिन 2013 में असम में ऑपरेशन राइनो के दौरान मेजर विनीत वर्मा और CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट देवेश कुमार कुलश्रेष्ठा ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी इसी के साथ आपके लिए आज का सवाल कि भारत के एकमात्र सबमरीन ट्रेनिंग सेंटर का नाम क्या है और वो कहां पर स्थित है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।